बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर एक क्वेश्चन जो एपीवी का हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम उसको नहीं देख पाए और मैंने इसका सोल्यूशन भी ग्रुप पर शेयर कर दिया था, तो आई थॉट कि इसकी एक वीडियो बना ली जाए। हाँ देखें सर, इस सवाल में है क्या, ये कह रहे कि जनाब माटू इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड रिस्क सीकिंग PLC, इट हैज़ अ गियरिंग रेशियो 1:3 एंड इक्विटी बीटा ऑफ 2.25 एंड अ प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 5%। देखिए ये कंपनी के एग्जिस्टिंग हालात के बारे में बताया था, ठीक है जी, कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो करंटली क्या है, बीटा इक्विटी करंटली क्या है, ये कंपनी की करंट इंडस्ट्री में जिसमें वो ऑपरेट करती है उसके हिसाब से डिफाइंड है। लेकिन एक चीज़ काम की है कि कंपनी का प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 5% है। द कंपनी इज कंसिडरिंग टू परचेज अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 120 मिलियन विच वुड इनेबल इट टू डाइवर्सिफाई इन टू अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। अब देखें, चीज़ हमने पढ़ी है कि जब आप एक नई बिज़नेस, नई लाइन ऑफ बिजनेस में जा रहे हैं, नए सेक्टर में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको उस सेक्टर के हिसाब से रिस्क को देखते हुए एक नया डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा। आप अपने एग्जिस्टिंग सेक्टर का डिस्काउंट रेट उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। मैं अपना करंट बैग इस पर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे करंट बैग में मेरे करंट बिज़नेस रिस्क को रिफ्लेक्ट किया गया है। लेकिन सर, मैं जिस बिज़नेस में जाना चाह रहा हूँ वो इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर है। चले जी, द मशीन वुड हैव अ लाइफ ऑफ 3 years एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। द मशीन वुड जनरेट एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 52 मिलियन। चले जी, 120 मिलियन की मशीन है, 3 साल चलेगी, 52 मिलियन एक साल में जो है वो कैश देगी। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा कि प्री टैक्स है पोस्ट टैक्स है, तो सर हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि प्री टैक्स कैश फ्लो है। द सप्लायर ऑफ द मशीन इज विलिंग टू लैंड माटू हाफ ऑफ द मशीन्स कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 3%। देखा हमारा ऊपर अगर मैं देखे ना तो कॉस्ट ऑफ डेट 5% है, लेकिन सर हमें जो ये जो वो मिल रहा है डेट मिल रहा है, ये लोअर रेट के ऊपर मिल रहा है, 3% के ऊपर मिल रहा है। इसका मतलब सर यहाँ सब्सिडी भी हमने देख रही है। द रिमाइंडर विल बी फाइनेंस इक्वली बाई डेट एंड एक्विटी, इशू कॉस्ट ऑफ कमर्शियल डेट 1% और एक्विटी 3%। इसका मतलब सर अगर 100% फाइनेंस है, आधा हम ले लेंगे सप्लायर से, जो आधा बच जाएगा उसके 2 हिस्से होंगे, एक्विटी और डेट। अ फर्म दैट इज ऑलरेडी इन द ट्रेड ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट एज अ गियरिंग रेशियो 1:4। अब देखें, जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं उस सेक्टर की एक रेफरेंस कंपनी के बारे में बता रहा है कि उसका डेट इक्विटी रेशियो 1:4 है, ठीक है जी, और उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18.1। हमारा नहीं है, उस सेक्टर की एक रेफरेंस कंपनी का। सर अब मुझे इसमें से करना ही है कि उस सेक्टर की रेफरेंस कंपनी में के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट शामिल है। मुझे एक ऐसी रेफरेंस कंपनी का जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए जो अनगेड हो। अच्छा जी, कॉर्पोरेट डेट रिस्क फ्री है, ठीक है जी, और ग्रांट डेट जो है, ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो 10% मिलेगी, 120 मिलियन का 10% गवर्नमेंट अवेलेबल कर देगी। लेकिन ये माटू एंटिसिपेट कर रहा है कि 1 साल बाद रिसीव हो गई, तो सर शुरू में हमें लोन ही लेना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन टैक्स रेट इज 30% पेबल इन एरियर्स, स्ट्रेट लाइन ऑफ डेपिक्शन इज अलाउड और रिस्क फ्री रेट इज 4% एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 7%। चलिए आए तरह से सवाल को सॉल्व करना शुरू करें। जी जनाब, सबसे पहले तो हम डिस्काउंट रेट निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर हमें जो रेफरेंस कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ठीक है जी, और उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमने सबसे पहले क्या करना है सर, बीटा कैलकुलेट करना है। सर ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ 18.1, यही है सर हमारे पास 0.181, 18.1, ठीक है जी। RF है हमारे पास सर इस 0.04, RM है हमारे पास सर 7% का प्रीमियम है, तो 4% ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ सर इससे बीटा एक्ट। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि स्प्रेड बिटवीन द सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्प्रेड बिटवीन मार्केट वुड रिजल्ट इन बी। आप बाकी आप अपने SCAPM के फंक्शन से भी निकालोगे तो यही निकलेगा सर। BE हमारे पास है 2.0, मुझे BA चाहिए सर। इस सेक्टर में डेट और एक्विटी कितने कितने सर, ये 1:4 है, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं काम ये करूं, मैं BA निकालूं इससे, तो सर दिस इनटू एक्विटी डिवाइडेड बाय एक्विटी प्लस डेट इनटू 0.7, ठीक है जी, ये आता सर मेरे पास 1.7। अब इस बीटा एसेट से मैंने निकालना है KU, KE,
सर 4% प्लस सीबीएम के फंक्शन से 11 माइनस ये आ गया सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आए सर इसकी बेस केस एनपीवी भी निकाले सबसे पहले। सबसे पहले सर मैं कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूँ तो मेरे पास 4 साल की कैश फ्लोज ड्राफ्ट होंगी मेरे टैक्स एरियर्स में। सबसे पहले सर मेरे पास इनिशियल आउटले आ जाएगा 120 का। सर फिर मेरे पास इनफ्लोज हैं 52, 52 और 52। सर इस पर जो मैं टैक्स दूंगा वो मैं दूंगा 0.3 के हिसाब से यहाँ पर। सर फिर मेरे पास टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन है। सर डेप्रिसिएशन होगा कितना सर ये तो मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आप एक ग्रांट की इनकम भी इसमें ऐड कर दें। ग्रांट हमें ईयर वन में मिला 12 मिलियन। सर जो हमें नेट अलाउ होगा डेप्रिसिएशन वो 120 का 90% डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3। सर ये आ गया मेरे पास ऑलमोस्ट 11 रुपये का। ये सर मुझे ईयर वन के नहीं बल्कि ईयर 2 के एंड पर मिलेगा। सर ये मेरे पास टोटल जो है वो कैश फ्लोज है जो मुझे आगे मिलने हैं। इन सबको नेट करूँ तो सर मेरे पास रिजल्ट कोई नहीं है, सीधा सा हिसाब किताब है। सर ये आ गया। अब मैं इन सब के डिस्काउंटिंग कर दूँ सर किस रेट से डिस्काउंटिंग करूँगा सर के यू से। मैं इसको डिस्काउंट कर देता हूँ एनपीवी निकाल लेता हूँ सर इसकी बेस केस एनपीवी। अरे मेरा बच्चा सॉरी ये बेस केस एन पी वी आ गया सर मेरे पास 1.2.16। ठीक है जी। अब सर मेरे पास सबसे पहले है इसको फाइनेंस करने के लिए कमर्शियल डेट। ठीक है जी। कमर्शियल डेट में सबसे पहले सर मेरे पास इशू कॉस्ट एक सेकेंड दोबारा सबसे पहले हम सर कमर्शियल डेट को देख लेते हैं। मुझे बताएं सर हमें डेट चाहिए कितना है कमर्शियल। सर 120 मिलियन के एसेट है, 50% इक्विटी और डेट दोनों से फाइनेंस करना है और इसका 50% हमने डेट से फाइनेंस करना है इंक्लूसिव ऑफ इशू कॉस्ट। तो इसको सर 1% की इशू कॉस्ट में 0.99 से डिवाइड कर देता हूँ। सर ये मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे पास इशू कॉस्ट कितनी है तो दिस माइनस दिस ये बनती है सर 0.3। एक चीज़ तो मेरे पास ये आ गई। नंबर 2 इशू कॉस्ट आ गई सर। फिर मेरे पास है सर टैक्स सेविंग्स ऑन इशू कॉस्ट, ये मेरे पास सर 30% ये हो जाता है सर मेरे पास 0.09। लेकिन इसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ 5% से डिवाइडेड 1.05। एक साल भी निकाल रहा हूँ सर मैं, 2 साल पे नहीं निकाल रहा। इवन 0.0086 ये आ गया सर। एक मेरे पास इशू कॉस्ट से रिलेटेड कहानी होगी सर। फिर टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट पेड। अब बताएं सर मैंने 4 सालों में जो इंटरेस्ट पे किया है और जो टैक्स सेविंग्स मुझे मिली हैं इनकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। सर मेरे पास है एसेट की लाइफ तो वैसे 3 साल है। मैं इंटरेस्ट यहाँ पे करूँगा सर 30 मिलियन के 3.3 मिलियन के लोन पे 5% का वो बनेगा 1.52। ये आगे सर और उस पर टैक्स सेविंग्स मिलेगी अगले साल और मैं सर इनकी निकाल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू 5% से। तो ये आगे सर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स 1.18। तो सर अगर मैं इधर एक छोटी सी कैलकुलेशन शुरू कर दूँ मैं कहूँ जनाब मेरे पास सब चीज़ें एक तरफ बेस केस एन पी वी जो आ रही थी वो आ रही थी सर 2.16। ठीक है जी। मैंने कमर्शियल रेट उठाया उसके अंदर सबसे पहले सर मुझे मिला
इशू कॉस्ट, फिर मेरे पास है सर टैक्स सेविंग्स ऑन इशू कॉस्ट, फिर मेरे पास है टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट यील्ड, ठीक है जी। इशू कॉस्ट सर मैं रखूँगा नेगेटिव में, ठीक है जी। फिर मेरे पास टैक्स सेविंग्स ये आ गई सर, मेरे पास इंटरेस्ट रेट और टैक्स सेविंग्स आ गया 1.18, ठीक है जी। अगर मैं तीनों को ऐड अप करूँ, अस्सलाम वालेकुम, तो सर ये तीन एस्पेक्ट्स मेरे पास थैंक यू सर। दूसरा हम देख लेते हैं एक्विटी, एक्विटी पे हमारे पास सर सबसे पहले क्या है जनाब, प्रमोशन रेट के बारे में देख रहे हैं। एक्विटी, एक्विटी में सर मेरे पास सिर्फ इशू कॉस्ट मुझे चेक करनी है सर। अमाउंट इसका भी 30 मिलियन है मुझे चाहिए सर, इंक्लूसिव ऑफ इशू कॉस्ट 97% ले रहा हूँ सर। मेरे पास सिर्फ इशू कॉस्ट है कितनी सर, 1.93 की। कंपनी का नुकसान है, इससे कोई टैक्स सेविंग्स मिलेंगी, तो यही हमने इनकॉर्पोरेट करना है। चलें जी, आ गया मेरे पास इशू कॉस्ट, ठीक है जी। अब आपने देखना है सर जो सप्लायर्स डेट है वो देखना है सबसे पहले सर, सप्लायर डेट की अमाउंट है कितनी सर। इसमें सबसे पहले सब्सिडी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है सर। मेरे पास अगले 4 सालों में जो इंटरेस्ट सेव हो रहा है, टैक्स सेविंग्स लूज भी हो रही है उसकी वजह से, और सर मैंने नेट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है सर। मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 इंटरेस्ट मेरे पास सेव हो रहा है सर पहले साल से 60 मिलियन का 2%, ठीक है जी। ये 3 साल का इंटरेस्ट आ गया सर। इस पर टैक्स सेविंग जो है वो जो लूज हुए वो अगले साल, सर ये आ गया सर। अब मैं अगर इनको नेट करूँ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सर अब मैं इसकी डिस्काउंटिंग करूँ 0.05 से, सर दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू जो कि सब्सिडी से जनरेट होगी, ठीक है जी। अब इसी तरह सर सब्सिडी के बाद मेरे पास है टैक्स ऑन इंटरेस्ट रेट, अगेन सर मैं ये पूरा टेबल बोरो कर सकता हूँ, तो सर अगर मैं टैक्स ऑन इंटरेस्ट रेट निकालना चाहूँ तो मुझे ये पता है कि सर मैंने ईयर वन पे इंटरेस्ट पे कितना किया, पे कितना किया सर मैंने 120 मिलियन पे 0.03 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट रखें इंटरेस्ट, ये कर देंगे सर हम। अच्छा हमारी टैक्स सेविंग्स आ गई हैं, उसकी प्रेजेंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, ठीक है जी। तो अब मैं काम करूं सर, मैं सप्लायर का डेट भी दिखा दूं सर। एक तो मेरे पास इंटरेस्ट सेव और एक मेरे पास टैक्स सेव ऑन इंटरेस्ट सर। मेरे पास जो इंटरेस्ट सेव्ड आ रहा है वो आ रहा है सर 2.33, और मेरा जो टैक्स सेव आ रहा है वो आ रहा है जनाब सर। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ तो एक रफ सी कैलकुलेशन मेरे सामने आ जाती है किस चीज़ की, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू की। एडअप करूँ सर, थैंक यू वेरी मच, जजाकअल्लाह खैर।